हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है. तो व्हाट इज मदरबोर्ड इन ए कंप्यूटर. तो बेसिकली जो है, मदरबोर्ड से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में. तो इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम ये भी देखेंगे कि मदरबोर्ड के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन इग्नू में पूछे जाते हैं. तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है. तो मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मदरबोर्ड होता है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, वो बहुत ही जरूरी वाला पार्ट होता है. तो कंप्यूटर मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. तो कंप्यूटर मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं. तो दैट हाउसेस बेसिक कंप्यूटर सर्किटरी एंड वाइटल कंपोनेंट्स. तो मदरबोर्ड के अंदर जो है कंप्यूटर सर्किटरी होते हैं और साथ ही साथ वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं. तो कंप्यूटर सर्किटरी क्या होता है, जब आप सिस्टम को खोलोगे और मदरबोर्ड जो है उसका उसके बैक साइड में जब आप देखोगे तो वहां पे कॉपर की जो है इलेक्ट्रॉनिक पाथ बनी हुई होती है. तो उसी को कंप्यूटर सर्किटरी बोलते हैं. और वाइटल कंपोनेंट्स का मतलब है कि इसमें छोटे छोटे कैप्सूल्स लगे होते हैं, टेबलेट्स लगे हुए होते हैं. तो इसी को वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं. तो बेसिकली क्या समझ में आया कि कंप्यूटर मदरबोर्ड जो है वो क्या है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसको शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं. और इस कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर सर्किटरी और वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं. तो कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड मोस्ट अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो होता है, तो वो हम जनरली क्या देखते हैं कि वो जनरली हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है. तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आर कोटेड विद ए पॉलीमर कॉल्ड सोल्डर मास्क विच इंसुलेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्रिंटेड कॉपर ट्रेसेस ऑफ मदरबोर्ड ड्यूरिंग द सोल्डरिंग प्रोसेस. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में जो है पॉलीमर लगाए जाते हैं. पॉलीमर का मतलब होता है सोल्डर मास्क लगाए जाते हैं. तो सोल्डर मास्क क्या करता है, ये पूरे मदरबोर्ड के जो प्लेट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और साथ ही साथ प्रिंटेड कॉपर ट्रेसेस जो होते हैं, जिसको सर्किट जिसको कंप्यूटर सर्किटरी बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक पाथ जिसको बोलते हैं. तो साथ ही साथ इस मदरबोर्ड पे जो प्रिंटेड कॉपर ट्रेसेस होते हैं, यानी कि कॉपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है. कब, जब हम सोल्डरिंग करते हैं, जब हम कोई वायर्स लगाते हैं, किसी वायर को चिपकाते हैं, किसी वायर को हटाते हैं, तो ये सब जो है प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पॉलीमर, जिसको सोल्डर मास्क बोलते हैं. तो वो पॉलीमर, वो सोल्डर मास्क जो है ग्रीन कलर का होता है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड पर लगाया जाता है. तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर मदरबोर्ड मैनेजेस ऑल ऑफ द डेटा ट्रांजेक्शन बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर पेरिफेरल्स. तो कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड जो है डेटा के ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है. तो डेटा का ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा का ट्रांजेक्शन का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप से जब हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट मॉनिटर पे नजर आता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डेटा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस डेटा का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, उस डेटा का ट्रांजेक्शन सीपीयू से होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
और साथ ही साथ अदर पेरिफेरल्स जो होते हैं, अदर डिवाइसेस जो होते हैं, या अदर हम कह सकते हैं टैबलेट्स जो होते हैं, अदर जो मदरबोर्ड के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, तो उन सब कंपोनेंट्स की हेल्प के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, मतलब डेटा का ट्रांजेक्शन करता है, डेटा को इनपुट से लेकर के आउटपुट आउटपुट तक ले जाता है। तो ये इनपुट से लेकर के आउटपुट तक डेटा को ले जाने का जो काम है, डेटा ट्रांजेक्शन का जो काम है, ये कंप्यूटर मदरबोर्ड करता है। तो द मदरबोर्ड सर्व्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड एक तरीके से एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स को ये क्या करता है, एक साथ कनेक्ट करके रखता है। और ये क्या-क्या कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ये कनेक्ट करके रखता है मदरबोर्ड के साथ, मेमोरी को कनेक्ट करके रखता है, हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करके रखता है, ऑप्टिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, ऑप्टिकल डिवाइसेस जो सीडी वीडी जो हम डालते हैं, वो वीडियो कार्ड को ये कनेक्ट करके रखता है, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स को ये डायरेक्टली या फिर केबल के थ्रू जो है अपने साथ यानी कि मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके रखता है। तो नेक्स्ट है, एज यू माइट नो, ए स्टैंडर्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स सच एज सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड मच मोर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड लैपटॉप होता है, या फिर कह सकते हैं एक जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो बने हुए होते हैं, वो बनते हैं डिफरेंट थिंग्स को मिला करके बनते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट थिंग्स होते हैं, उसमें सीपीयू होता है, मतलब पूरा का पूरा एक लैपटॉप अगर बनाना है, पूरा का पूरा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है, तो वो बनेगा किससे, उसमें सीपीयू होगा, उसमें मॉनिटर होगा, उसमें कीबोर्ड लगा हुआ होगा, उसमें माउस होगा, और भी जरूरी चीजें उसमें लगी हुई होंगी। तो ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स टॉक टू इच अदर, और ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से टॉक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, बाई कॉमन हार्डवेयर नोन एज मदरबोर्ड और सिंपली मोबो। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में टॉक या फिर कम्युनिकेट जो करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, इस मदरबोर्ड के थ्रू करते हैं, या फिर मदरबोर्ड को सिंपली मोबो भी कहते हैं। तो इस मोबो के थ्रू जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो नीचे जो है आपका ये मदरबोर्ड है पूरा। तो मदरबोर्ड ऐसा होता है, जब आप सिस्टम को खोलेंगे तो आपके पीसी में भी जो है इस तरह का जो है मदरबोर्ड है, और बाकी ये छोटी मोटी चीजें जितनी भी लगी हुई है इसी को ही वाइटल कंपोनेंट्स बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो नेक्स्ट अब देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो कुछ जरूरी पार्ट्स को हम देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है मदरबोर्ड के अंदर, वो होता है पावर सप्लाई प्लगइन। तो पावर सप्लाई प्लगइन का मतलब है, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में जब आप पावर वाला वायर लगाते हैं, तो जो पिन हम मॉनिटर के अंदर सॉरी जो पिन हम सीपीयू के अंदर लगाते हैं, तो वो जो है उसी को बोलते हैं पावर सप्लाई प्लगइन। तो पावर सप्लाई प्लगइन वाला जो पिन ऑलरेडी जो है सीपीयू में या लैपटॉप में जो लगे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 20 पिन कनेक्टर होता है, वो इट इज़ ए 20 पिन कनेक्टर। इसमें 20 पिन कनेक्टर होते हैं, मतलब कि इस कनेक्टर में 20 पिन्स होते हैं। तो द पावर सप्लाई एज इट्स नेम इम्प्लाइज
और पावर सप्लाई, जैसा कि इसका नाम इम्प्लाई करता है, प्रोवाइड्स प्रोवाइड करता है द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू मेक द पीसी ऑपरेट। तो जो पावर सप्लाई प्लग इन है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करता है, ये प्रोवाइड करता है टू मेक द पीसी ऑपरेट, किसी भी पीसी को स्टार्ट होने के लिए। तो इट हैज स्टैंडर्ड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई प्लग इन के थ्रू जो है ±12 वोल्ट का पावर जाता है, ±5 वोल्ट का पावर जाता है एंड 3.3 वोल्ट का पावर इसके अंदर जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू सॉकेट। तो इस सीपीयू सॉकेट यूजेस ए सीरीज ऑफ पिंस टू कनेक्ट ए सीपीयू प्रोसेसर टू द पीसीस मदरबोर्ड। तो सीपीयू सॉकेट क्या होता है, जब आप सिस्टम को खोलेंगे तो मदरबोर्ड के ऊपर, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि येलो वाला जो पार्ट अभी हमने मदरबोर्ड में देखा था, तो वो क्या है, वो प्रोसेसर है, वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वहां पे लगा हुआ होता है। तो जहां पे वो लगा हुआ होता है उसी को सीपीयू सॉकेट बोलते हैं। तो इस सीपीयू सॉकेट के अंदर ए सीरीज ऑफ पिंस होते हैं, मतलब इस सीपीयू सॉकेट के अंदर बहुत सारे पिंस होते हैं, और ये पिन इसलिए होते हैं कि जब आप सीपीयू का, इस सीपीयू सॉकेट का प्रोसेसर जो होता है, जब प्रोसेसर का मतलब एक छोटी सी चिप होती है, तो जब उस चिप को आप इस सीपीयू सॉकेट में लगाओगे तो उसमें सीरीज ऑफ पिंस जो होते हैं सीपीयू सॉकेट के अंदर, तो वो सीपीयू चिप को जो है, जो चिप आप लगाओगे उस चिप को क्या करता है, ये पिंस जो है उसमें पकड़ लेता है, वो इस तरीके से बना हुआ होता है। तो सीपीयू सॉकेट क्या करता है, इसमें जो है सीरीज ऑफ पिंस होते हैं जिसका यूज करते हैं सीपीयू के प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए, किससे, पीसी के मदरबोर्ड से। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही है। तो इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस इनसाइड द पीसी। तो पीसी या लैपटॉप के अंदर हम इनपुट से जितने भी कैलकुलेशन वाला काम करते हैं, जोड़ने घटाने का, नंबरिंग वगैरह टाइप करने का, जितना भी काम करते हैं, तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो किस में होता है, वो सीपीयू के अंदर ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही होता है। उस सीपीयू सॉकेट के अंदर जो प्रोसेसर वाली जो चिप लगी हुई होती है, उस चिप के अंदर जो है आपका ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर्स एक तरह से मेमोरी, ये तीन चीजें उस चिप के अंदर इनबिल्ट होती है। और इस तरीके से जब हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो ALU का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि कैलकुलेशन के रिगार्डिंग टास्क को ALU परफॉर्म करता है, CU कंट्रोल करता है, और रजिस्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी का काम, मतलब स्पेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं करता है। तो इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन इनसाइड द पीसी। तो सीपीयू क्या करता है, किसी भी पीसी के अंदर जितने भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसको परफॉर्म करता है। और मॉडर्न सीपीयूस जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। और आज के जो सीपीयूस है उसमें बहुत, वो जो है बहुत सारा हीट जनरेट करता है, तो इसलिए एंड दस रिक्वायर ए कूलिंग फैन और हीट सिंक। तो हीट सिंक, तो आज का जो सीपीयू है या मॉडर्न सीपीयू जो है वो लॉट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, मतलब ए लॉट ऑफ हीट जनरेट करता है, इसलिए इस तरह के सीपीयू को एक कूलिंग फैन की जरूरत होती है, जिसको हीट सिंक भी बोलते हैं। तो जब भी आप सिस्टम वगैरह खोलोगे तो इस सीपीयू के ऊपर जो है एक कूलिंग फैन भी लगा हुआ होता है। तो टाइप ऑफ प्रोसेसर इज 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर। तो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू सॉकेट के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो चिप लगी हुई होती है, वो चिप जो है 32 बिट की भी होती है, 64 बिट की
प्रोसेसर भी होती है, मतलब 64 बिट की चिप भी होती है, तो उसी को 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी स्लॉट। तो मेमोरी स्लॉट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रैम। तो जो रैम है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, जब जहाँ पर हम रैम लगाते हैं उसको मेमोरी स्लॉट बोलते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर रैम। तो मेमोरी स्लॉट का जो है यूज़ करते हैं हम रैम के लिए। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या करता है रैम? स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। तो रैम क्या करता है? रैम प्रोग्राम और डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है जिस समय सीपीयू जो है काम कर रहा होता है। तो जो है रैम जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव कर देते हैं तो वो फाइल परमानेंटली स्टोर हो जाती है हार्ड डिस्क के ऊपर। बट उसी फाइल को ओपन करके जब हम उस पर कुछ भी काम करते हैं तो वो फाइल जो है टेम्परेरली जो है वो रैम के अंदर खुलती है और सीपीयू जो है उसको उस समय यूज़ कर रहा होता है। तो रैम क्या करता है? प्रोग्राम और डेटा को टेम्परेरी जो है स्टोर करके रखता है जिस समय सीपीयू उसको यूज़ कर रहा होता है। तो रैम हैज़ बीन पैकेज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। तो रैम बहुत तरह के रैम आते हैं। तो द मोस्ट करंट पैकेज इज कॉल्ड ए 68 पिन DIMM ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो जो सबसे जो मतलब जो आजकल रैम यूज हो रहे हैं उस रैम को 168 पिन DIMM बोलते हैं, जिसका नाम है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इस वाले नाम से जो है रैम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है PS2 पोर्ट। तो PS2 पोर्ट क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड PS2 का मतलब है पर्सनल सिस्टम पोर्ट। तो PS2 पोर्ट का क्या मतलब है? इट इज़ कॉल्ड पर्सनल सिस्टम पोर्ट। तो PS2 पोर्ट को पर्सनल सिस्टम पोर्ट भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कीबोर्ड एंड माउस बोर्ड। तो जब हम पीसी या फिर लैपटॉप में कीबोर्ड को यूज़ करते हैं और माउस को यूज़ करते हैं तो ये कीबोर्ड और माउस जो है वो इसी पर्सनल सिस्टम पोर्ट से अटैच होते हैं। तो PS2 पोर्ट जो है ये कीबोर्ड और माउस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सीमोस बैटरी। तो सीमोस बैटरी का क्या मतलब है? सीमोस का यहाँ पे क्या मतलब है? सीमोस बैटरी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। तो सीमोस की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। तो सीमोस किस लिए यूज़ होता है? सिस्टम के अंदर डेट टाइम को अपडेट रखने के लिए सीमोस बैटरी का यूज़ होता है। और साथ ही साथ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो सेटिंग्स वगैरह होती है उसको भी ये जो है पकड़ करके रखता है। तो जब हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो शट डाउन करने के बाद जब फिर से स्टार्ट करते हैं या बाद में कभी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें डेट और टाइम जो है बिल्कुल अपडेट डेट, यानी कि जो करंट डेट होती है वही डेट उसमें शो हो रहा होता है, और जो करंट टाइम होता है वही करंट टाइम शो रहा होता है। तो ये सीमोस बैटरी की वजह से ही होता है। वही जो है सिस्टम बंद होने के बाद भी जो है सीमोस बैटरी क्या करता है? अंदर से डेट और टाइम को अपडेट करके रखता है और साथ ही साथ बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग को भी वो पकड़ करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा साटा पोर्ट। तो साटा पोर्ट क्या होता है? साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो साटा का मतलब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी डिस्क ड्राइव। तो जब हम मदरबोर्ड के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है जब हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं वायर से,
तो उस वायर को ही, उसी को साटा पोर्ट बोला जाता है, उस वायर को ही एक तरीके से साटा पोर्ट बोला जाता है, या सीडी डिस्क ड्राइव को जब हम मदरबोर्ड से अटैच करते हैं तो वो साटा पोर्ट के थ्रू ही अटैच होता है, मतलब एक तरीके से वायर होता है वो, जिसको साटा पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीसीआई स्लॉट। तो पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कार्ड इंटरफेस। तो पीसीआई का मतलब है पेरिफेरल कार्ड इंटरफेस, इट इज यूज्ड फॉर पेरिफेरल कार्ड। तो ये यूज होता है पेरिफेरल कार्ड के लिए, पेरिफेरल कार्ड के लिए मतलब अदर डिवाइसेस कार्ड के लिए। अदर डिवाइस कार्ड क्या हो सकते हैं, जैसे साउंड कार्ड अगर लगाना है, वीडियो कार्ड अगर लगाना है, तो साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड जो है आपका वो पीसीआई स्लॉट में ही लगेगा। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट। तो इट इज़ ए 25 पिन कनेक्टर। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर जो है 25 पिन होते हैं, और इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर पैरेलल 8 बिट एट ए टाइम। तो पैरेलल पोर्ट को यूज़ करके हम सिस्टम से या सिस्टम के अंदर जो है 8 बिट एट ए टाइम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट, इट इज़ ए 9 पिन कनेक्टर। तो सीरियल पोर्ट के अंदर 9 पिन होता है, तो ये 9 पिन जो है, 9 पिन कनेक्टर है ये, इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर सीरियल बिट बाय बिट। बिट बाय बिट अगर डेटा को ट्रांसफर करना है, बिट बाय बिट मदरबोर्ड से कोई डेटा लेनी है या किसी अदर डिवाइस से मदरबोर्ड में सिस्टम में कोई डेटा ट्रांसफर करनी है, तो बिट बाय बिट यानी कि 0-1 के फॉर्म में एक एक करके जो डेटा का ट्रांसफर होगा उससे हम सीरियल पोर्ट के थ्रू जो है कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस। तो सीरियल पोर्ट यानी कि पैरेलल पोर्ट की जगह पे सीरियल पोर्ट जो है वो बेसिकली यूज होता है प्रिंटर के लिए और अदर डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा आईडीई कंट्रोलर। तो आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये क्या है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड वे ऑफ कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स टू मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में अगर हार्ड ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है कनेक्ट करना है, या कोई फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स, सीडी वीडी लगाने वाली जो ऑप्टिकल ड्राइव्स होती है उसको अगर जो है मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, तो आईडीई कंट्रोलर के थ्रू जो है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वे है कनेक्ट करने का किसी हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव्स को मदरबोर्ड में। नेक्स्ट है आईएसए स्लॉट। तो आईएसए स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो आईएसए का मतलब है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, और ये जो है इट इज़ यूज्ड फॉर आईएसए कंपेटिबल कार्ड। और ये आईएसए स्लॉट का यूज़ करते हैं हम, इससे जो कंपेटिबल कार्ड होते हैं, मतलब आईएसए स्लॉट के अंदर लगने वाले जो कार्ड होते हैं, आईएसए स्लॉट के अंदर लगने वाले जो कार्ड होते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, या फिर कोई और एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट जो आईएसए स्लॉट में लग जाते हैं, आईएसए स्लॉट के साथ कंपेटिबल है, तो वो हम मदरबोर्ड के अंदर आईएसए स्लॉट होता है उस स्लॉट को यूज करके हम वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड और एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजीपी स्लॉट। तो एजीपी स्टैंड्स फॉर एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो एजीपी का मतलब है एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड वीडियो कार्ड लाइक 3G 3D ग्राफिक्स। तो एजीपी स्लॉट का यूज करते हैं हम कोई भी हाई स्पीड वीडियो कार्ड को लगाने के लिए, जैसे कोई भी 3D ग्राफिक्स का कोई कार्ड वगैरह लगाना है तो मदरबोर्ड के अंदर एजीपी स्लॉट होता है, तो उसमें हम ले जा करके लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैन, या फिर इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। तो लैन का मतलब स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू लोकल नेटवर्क।
तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क लगाना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब नेटवर्किंग का कनेक्शन आप जो है अपने सिस्टम में लगाना चाहते हो, तो वो आपका लगेगा, आपके सिस्टम में लैन पोर्ट होता है, ईथरनेट पोर्ट होता है, तो उस पोर्ट में ले जा करके इंटरनेट इंटरनेट का जो कनेक्शन वाला पोर्ट है वो घुसा दोगे, तो आपके सिस्टम में नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इंटरनेट चलने लग जाएगा। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू लोकल नेटवर्क। तो इसका यूज़ करते हैं हम, इस पोर्ट का यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। बीजीए पोर्ट, इट इज़ ए 15 पिन कनेक्टर, तो ये जो है एक 15 पिन कनेक्टर है, इट इज़ यूज फॉर वीडियो ट्रांसमिशन। तो बीजीए पोर्ट का हम यूज़ करते हैं वीडियो को ट्रांसमिशन करने के लिए, मतलब वीडियो ट्रांसमिशन करने के लिए। जब आप अपने सीपीयू के अंदर जो मॉनिटर का जो पोर्ट आप लगाते हो, मॉनिटर में एक वायर लगा करके फिर सीपीयू के अंदर जो मॉनिटर वाला वायर लगाते हो, तो सीपीयू वाला मॉनिटर वाला जो वायर है सीपीयू में जहां आप लगाते हो उसी को वीजीए पोर्ट बोलते हैं। और ये 15 पिन कनेक्टर होता है, और इसको लगाने से क्या होता है कि सीपीयू से आपका वीडियो ट्रांसमिशन होगा कहाँ पे, मॉनिटर पे। तो वीजीए पोर्ट का यूज़ करते हैं हम वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है ऑडियो पोर्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर साउंड इनपुट और आउटपुट। तो आपके सिस्टम में मदरबोर्ड में एक साउंड इनपुट और आउटपुट पोर्ट भी होता है जिसको ऑडियो पोर्ट बोलते हैं। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी साउंड वगैरह आ रही है, ये साउंड जो मेरी जा रही है ये इनपुट पोर्ट से जा रही है, और आउटपुट पोर्ट से जो है इस वीडियो को बना करके जब मैं सुनूंगा दोबारा तो आउटपुट पोर्ट से जो है साउंड आएगी भी। तो ऑडियो पोर्ट जो है इसका यूज करते हैं साउंड इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं उसी को यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो ये जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जहां आप पेन ड्राइव लगाते हो उसी को यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, और यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये जो पोर्ट होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो लगा हुआ होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस डिवाइसेस, और ये बहुत सारे डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ आप पेन ड्राइव ही नहीं लगाओगे, इसमें अगर कोई डिजिटल कैमरा लगाना है तो डिजिटल कैमरा का भी वायर इसमें लगा सकते हो, स्कैनर का भी वायर इसी यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हो, प्रिंटर का भी वायर इसी यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हो, और यू कैन अटैच डिवाइस विदाउट रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। तो जब भी हम कोई भी डिवाइस यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फ्लॉपी पोर्ट, तो फ्लॉपी पोर्ट क्या है, इट इज़ ए 32 पिन कनेक्टर। तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक फ्लॉपी पोर्ट भी होता है, तो वो 32 पिन कनेक्टर है, और ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए ये फ्लॉपी पोर्ट यूज़ होता है। तो ये था सारा का सारा मदरबोर्ड के बारे में। अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि इग्नू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर से, मतलब मदरबोर्ड से। तो इग्नू में जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो BCS 011 कोड वाला जो सब्जेक्ट है उसमें जो है मदरबोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मदरबोर्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है ये मैंने बता दिया है, और मदरबोर्ड के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है वो भी मैंने बता दिया है,
और ये जून 2013 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। तो मेरे इस वीडियो को देख करके समझ करके आप आंसर को लिखेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन इग्नू में अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, व्हाट इज ए मदरबोर्ड, अगेन क्वेश्चन आया है कि मदरबोर्ड क्या है। लिस्ट लिस्ट दीजिए एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए एनी 5 पार्ट्स ऑफ ए मदरबोर्ड। किसी भी मदरबोर्ड के मतलब एक मदरबोर्ड के 5 पार्ट्स को एक मदरबोर्ड के 5 पार्ट्स की लिस्ट देनी है और उसको ब्रीफली यानी कि शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये 7 नंबर का आया है, 7 मार्क्स का आया है ये, और ये दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इच ऑफ द मेन कंपोनेंट्स। और जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स है उन मेन मेन कंपोनेंट्स के कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से कार्य है, उसका ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये क्वेश्चन जो आया है, ये जो क्वेश्चन आया है ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, जून 2019 में आया है ये। और जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो एक ब्लॉक डायोग्राम बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। ये है ब्लॉक डायोग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब इनपुट यूनिट क्या है। तो जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप वाइप करते हो तो ये सारा इनपुट यूनिट है, और भी दो चार नाम बताने हैं। आउटपुट यूनिट में जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है आपके मॉनिटर वगैरह पे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सप्लेन करना है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू को एक्सप्लेन करना है जिसके अंदर सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोलिंग का काम करता है। कोई भी डेटा प्रोसेस होता है इनपुट से सीपीयू में जाता है और फिर आउटपुट मॉनिटर पे आता है। तो प्रोसेसिंग का काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, तो उसके अंदर एक सीयू होता है, कंट्रोलिंग यूनिट, तो कंट्रोल करने का काम होता है ये। और इसी के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जिसमें कैलकुलेशन वाला सारा पार्ट ये परफॉर्म करता है। तो ये हमने देखा कि इग्नू में बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में BCS 011 वाले कोड वाले सब्जेक्ट में मदरबोर्ड के रिगार्डिंग ये तीन तीन चार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो मेरे इस वीडियो को देख करके आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।